नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव। धार जिले के कुक्षी के डही क्षेत्र के आमल जुमल के आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को उल्टी दस्त की शिकायत होने पर कुक्षी के शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से 3 बच्चों को बड़वानी रेफर कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि सभी बच्चों की नाश्ता करने के बाद तबीयत बिगड़ी, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं उन्हें उल्टी दस्त होने लगे। 26 बच्चों का उपचार जारी है, वही 3 छात्र छात्राओं को बड़वानी रेफर कर दिया गया है। सूचना पर तुरंत SDM, तहसीलदार एवं थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं। प्रशासनिक स्तर पर यह बात कही जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। BMO के द्वारा यह बताया गया है कि फिलहाल तो हम बच्चों का उपचार कर रहे हैं, अभी यह पता नहीं लगाया जा सका है कि बच्चों ने क्या खाया था या पानी की वजह से क्या हुआ है, यह जांच का विषय है। वही आपको बता दें कि PHE विभाग ने भी पानी के सैंपल लिए हैं। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। एकलव्य स्कूल से हमारे पास 26 बच्चे आए हैं, जिसमें लड़की लड़का दोनों ही बच्चे आए हैं। उसमें से 5 को थोड़ा सा तबीयत ज़्यादा सीरियस होने के कारण बड़वानी रेफर किया गया और 21 बच्चे हमारे यहाँ एडमिट है और सभी स्टेबल, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर, बच्चों के अस्वस्थ के क्या अभी प्राथमिक तौर पर बच्चे बीमार होके आए हैं। अब उन्होंने क्या खाया, क्या पानी कहाँ का पिया, वो सैंपल लेके चेक किया जाएगा, उसके बाद वस्तु स्थिति क्लियर होगी।